घमंडी ननंद की लंबे बाल वाली अंग्रेजन भाभी। अभी ओ नौकरानी, तुझे क्या हम फ्री के पैसे दे रहे हैं जो तू ढंग से काम नहीं कर रही है? देख कोने कोने में कैसी मिट्टी जमा हो गई है, और तू है कि सिर्फ सामने से झाड़ू लगा रही है। मैं पहले हमेशा यहाँ की झाड़ू लगाती हूँ, फिर वहाँ की, लेकिन आप लोगों को तो बस मुझे बोलने का मौका चाहिए। अपनी नौकरानी की बात सुनकर शालू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस नौकरानी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है कि तभी वहाँ उनका बड़ा बेटा साहिल आ जाता है। शालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? तुम तीनों में क्या तमीज नाम की कोई चीज नहीं है जो हमेशा हर किसी से बदतमीजी करती रहती हो? भाई आप इस 2% की नौकरानी के लिए हम पर चिल्ला रहे हैं। पूनम, तुम्हें क्या हक बनता है किसी के बारे में ऐसा कहने का? अगर हमारे पास पैसे हैं और उनके पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनका मजाक उड़ाएं। सुधर जाओ तुम तीनों, वरना एक दिन बहुत पछताओगी। रूपा, पूनम और शालू दिखने में तो रंग रूप से काली होती हैं, लेकिन घमंड तो उनके अंदर हद से ज्यादा होता है। तीनों बहनें हमेशा हर किसी के साथ बदतमीजी करती हैं, जिसके चलते इनका बड़ा भाई साहिल उन्हें हमेशा ये सब करने से मना करता, लेकिन अपनी माँ के लाड़ प्यार की वजह से तीनों ही बहनें कभी नहीं सुधरती। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, माँ, जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गया हुआ था तो मुझे वहाँ एक जेनिफर नाम की लड़की मिली थी। जेनिफर एक बहुत अच्छी लड़की है और उसे हमारे रीति रिवाजों के बारे में भी पता है, इसलिए मैं जेनिफर से शादी करना चाहता हूँ। भैया आप पागल तो नहीं हो गए हो? एक अंग्रेजन को इस घर की बहू बनाओगे? मैंने सुना है बाहर देश की लड़कियाँ बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई और बदतमीज होती है। तुम तीनों को क्या हक बनता है किसी के बारे में ये सब कहने का? जब तुम उसे जानती ही नहीं हो, जेनिफर बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से वो तुम तीनों से ही बहुत अच्छी है। वो हर एक किसी की इज्जत करती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर आइंदा जेनिफर के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिल की बात सुनकर तीनों बहनों को बहुत बुरा लगता है और वो जेनिफर से नफरत करने लगती है। कुछ ही महीनों में साहिल और जेनिफर की शादी हो जाती है। पूनम जा, किचन से मैंने चावल का कलश रखा हुआ है, जल्दी से ले आ, तेरी भाभी का गृह प्रवेश कराना है। पूनम किचन में कलश तो लेने जाती है कि तभी वहाँ शालू आ जाती है। ये देख पूनम, मेरे पास इस बैग में क्या है? छी, ये तो कॉकरोच है। अब हम इन कॉकरोच को इस चावल के कलश में अंदर डाल देंगे। जैसे ही हमारी अंग्रेजन भाभी उस कलश को गिराएगी तो कॉकरोच देखकर काफी डर जाएगी। पूनम को शालू का आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो चावल के कलश के अंदर बहुत सारे कॉकरोच डाल देती है और उसे ले जाकर अपनी भाभी के पैरों के पास रख देती है। जेनिफर जैसे ही उस कलश को गिराती है तो उसमें से बहुत सारे कॉकरोच निकलते हैं, जिसे देखकर जेनिफर डर जाती है। ओह माय गॉड, कॉकरोच! अरे देखो तो जरा, ये अंग्रेजन कैसे डर गई। तीनों नंदे काफी हंसने लगती है कि तभी साहिल उन तीनों पर चिल्लाता है। क्या बदतमीजी है ये, अपनी भाभी से कौन ऐसा मजाक करता है? इट्स ओके साहिल, जोक ही तो था, आप एंग्री मत होइए। जेनिफर की बात सुनकर साहिल शांत हो जाता है, जिसके बाद साहिल जेनिफर को अपने कमरे में ले जाता है। जेनिफर दिखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है और जेनिफर के काफी लंबे और घने बाल होते हैं। वहीं तीनों नंदे काफी काली होती हैं और उसी के साथ उनके बाल भी काफी छोटे होते हैं। अपनी भाभी की खूबसूरती और लंबे बाल देखकर तीनों नंदे उससे काफी जलने लगती हैं और वो तीनों नंदे अपनी अंग्रेजन भाभी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हो? आप वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रही हो? हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन में नहीं बल्कि इस थापी से कपड़े धोते हैं। लेकिन मुझे तो इसका यूज करना नहीं आता। कोई बात नहीं भाभी, हम आपको बता देते हैं। जिसके बाद तीनों काली नंदे मिलकर अपनी अंग्रेजन भाभी को थापी से कपड़े धोने का तरीका बताती हैं और वहाँ से चले जाती हैं। जेनिफर ने पहले कभी थापी का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके चलते वो कपड़ों को कई देर तक थापी से धोती है और ज्यादा देर तक थापी का इस्तेमाल करने से कपड़े फटने लगते हैं कि तभी वहाँ तीनों नंदे अपनी माँ को लेकर आ जाती है। ये क्या बहू, तूने तो कपड़े धोने के बजाय इन्हें फाड़ दिया। ये तो होना ही था, अगर अंग्रेजन बहू लाओगी तो ये सब तो देखने को मिलेगा ही। मैंने तो पहले ही शादी से मना किया था, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। तू जानती भी है ये कितनी महंगी साड़ी थी और तूने इसे फाड़ दिया। मुझे तो लगता है साहिल ने तेरी झूठी ही तारीफ की थी। इतना कहकर माला वहां से चली जाती है। अपनी सास की डांट सुनकर जेनिफर को काफी बुरा लगता है। वहीं काली तीनों ननंद एक कोने में खड़ी होकर काफी हंसती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और तीनों काली नंदे हमेशा अपनी भाभी को परेशान करती हैं। ऐसे ही एक दिन, आज तो हेयर वॉश करने का डे है, एक काम करती हूँ, पहले बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हेयर वॉश करूंगी। इतना कहकर जेनिफर अपने बालों में तेल लगाने लगती है कि तभी उसे उस तेल में से अजीब सी स्मेल आती है।
ये तो काफी अजीब स्मेल है, लगता है सेल से ऐसे ही स्मेल आती है। ऑयलिंग के बाद जेनिफर अपने बालों को अच्छे से गूंथ कर घर के कामों में लग जाती है कि तभी उसकी तीनों ननंद उस कमरे में आती हैं और उस तेल की बोतल को देखते हुए कहती हैं, बड़ा घमंड था ना इसको अपने लंबे बालों पर, अब देखना कैसे इसके लंबे बाल किसी चूहे की पूंछ की तरह हो जाएंगे। इसे ये पता भी नहीं कि इसने जो लगाया है वो बालों का तेल नहीं बल्कि मिट्टी का तेल है, अब देखना कितना मजा आएगा। जेनिफर काम कर रही होती है कि तभी उसके पास उसकी सास आती है और उसे कहती है, बहू बहुत देर से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है और तेरे पास से भी मुझे बदबू आ रही है, तूने मिट्टी का तेल लगाया है क्या? नो माजी, मैं तो हेयर ऑयल लगाया था, लगता है कहीं और से आ रही है ये स्मेल। इतना कहकर जेनिफर किचन में काम करने चली जाती है। माला को थोड़ा शक होता है तो वो जेनिफर के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी तीनों बेटी उसकी बहू के कमरे में खड़ी हैं और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। तभी साहिल भी आ जाता है। साहिल जेनिफर को ढूंढते हुए किचन में जाने लगता है। जेनिफर किचन में खाना बना रही होती है कि तभी अचानक जेनिफर के बालों में मिट्टी के तेल की वजह से उसकी चुटिया आग पकड़ लेती है, लेकिन जेनिफर को इस बारे में पता नहीं होता कि तभी वहां साहिल आ जाता है और अपनी पत्नी के बालों को जलता देख जल्दी से जाकर पानी से उसके बालों की आग बुझाता है। जेनिफर तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये आग कैसे लगी? I don't know साहिल, कि ये कैसे हुआ? मैं तो खाना बना रही थी। कि तभी वहां माला आ जाती है और साहिल को सारी बातें बता देती है। क्या मेरी तीनों बहनों ने ये सब किया है? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो तीनों इस हद तक गिर जाएंगी। साहिल गुस्से में अपनी तीनों बहनों को आवाज देता है और अपने भाई की आवाज सुनकर तीनों बहनें जल्दी से नीचे आ जाती हैं। तुम तीनों की वजह से आज जेनिफर की जान जा सकती थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम तीनों ये करोगी। भैया हम तो बस भाभी के साथ मजाक कर रहे थे, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? पूनम की बात सुनकर माला को गुस्सा आता है और वो अपनी तीनों बेटियों को थप्पड़ मार देती है। तुम्हारे मजाक के चलते आज मेरी बहू की जान चली जाती तो क्या होता, वो मर जाती तो? तुम लोग क्या करते हो, मेरे ही लाड प्यार की वजह से ये सब हुआ है। तुम तीनों निकल जाओ यहाँ से, तुम तीनों इस घर में रहने के लायक नहीं हो। नो माजी, आप ये क्या कर रही हैं? आप इन तीनों को घर से निकाल देंगे तो ये तीनों कहाँ जाएंगी? जो हुआ उसे भूल जाइए, आप इन्हें माफ कर दीजिए। अपनी अंग्रेजन भाभी की बात सुनकर तीनों काले ननंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने अंग्रेजन भाभी से माफी मांगती हैं और जेनिफर भी उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब तीनों काली नंदों का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो अब अपनी भाभी के साथ बड़े ही प्यार से रहती हैं।